still stands, ready to fight, ready to win, and ready to make America great again. नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव और आज नतीजों का दिन और कमोबेश तस्वीर साफ होती हुई कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसका जवाब अब मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। बहुमत के बेहद करीब डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बहुमत वाले जादुई आंकड़े से महज 3 वोट पीछे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खाते में अब तक 267 इलेक्टोरल वोट्स जा चुके हैं। कमला हैरिस के खाते में 216 इलेक्टोरल वोट्स ही अब तक आए हैं। 538 कुल संख्या इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स की। और ऐसे में आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप जादुई आंकड़ा जो 570 का है उससे सिर्फ 3 वोटों के फासले पर 267 पर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पहुंच चुके हैं। मतलब बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल नजदीक डोनाल्ड ट्रंप की जीत यहां से बिल्कुल पक्की नजर आ रही है। और ऐसे में सबकी निगाहें स्विंग स्टेट्स पर लगी हुई थी, वो स्टेट्स जो रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेट्स, मतलब कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, किसी को भी जिताने का मादा रखती है। उन स्विंग स्टेट्स में पेनिसल्वेनिया सबसे बड़ी स्विंग स्टेट, ट्रंप जीत गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं, पेंसिल्वेनिया भी रिपब्लिकन के खाते में गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया जीत लिया है। इससे पहले आप जानते हैं नॉर्थ कैरोलिना से लेकर जॉर्जिया तक, ये वो स्विंग स्टेट्स जिन पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, अपना गढ़ तो बचा ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। साथ ही साथ ये स्विंग स्टेट्स जो किसी को भी जिता सकती थी, उन स्टेट्स में भी रिपब्लिकन पार्टी का परचम डोनाल्ड ट्रंप लहरा रहे हैं। स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया, काफी देर तक इस स्टेट में, इस राज्य में कमला हैरिस ने बढ़त और करीब दोगुनी की बढ़त बनाई रही, लेकिन आखिरकार अब जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ रही है और तस्वीर बदल रही है, या यूं कहें कि तस्वीर साफ हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप जीत के बेहद नजदीक नजर आ रहे हैं। आइए जल्दी से मैं आपका परिचय कराती हूं इस बड़ी कवरेज में। आप देख रहे हैं हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद है पूर्व राजदूत दीपक वोरा साहब, पल पल का अपडेट और उन्हीं से हम इस बड़ी कवरेज पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान विदेश मामलों के जानकार हैं रविंदर सचदेव जी, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका रविंदर सर। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए, विशाल का ही रुख करेंगे और जानेंगे विशाल से, अब तो बहुमत से सिर्फ 3 वोट के फासले पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, निर्णायक जीत की तरफ डोनाल्ड ट्रंप बढ़ चुके हैं। विशाल बिल्कुल रोमाना, अब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीतेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब जीत की ओर आगे बढ़ चुके हैं। न सिर्फ जीत की ओर, अगर हम ताजा रुझानों को देखें जो अब तक के आंकड़े दिख रहे हैं उसके मुताबिक लगभग 309 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जा सकते हैं। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी जीत है डोनाल्ड ट्रंप की, वो पेंसिल्वेनिया की मानी जाएगी, क्योंकि ये वो राज्य है जो कि एक स्विंग राज्य कहलाता है। और 1992 से 2020 के बीच में सिर्फ एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में उनकी पार्टी ने यह सीट जीती थी, और अब 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा इस सीट को जीत लिया है। और इसके साथ ही जो दूसरी स्विंग स्टेट में वो जीतने जा रहे हैं वो विस्कॉन्सिन है, जो कि 10 इलेक्टोरल कॉलेज वोट वाला राज्य है, और वहां पर भी लगभग काउंटिंग पूरी होने को है और डोनाल्ड ट्रंप उस राज्य में भी चुनाव जीतने जा रहे हैं। यानी ऐसा संभव है कि 7 के 7 स्विंग स्टेट डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाए और डोनाल्ड ट्रंप का आंकड़ा 300 के पार नजर आएगा। बिल्कुल, अब की बार डोनाल्ड ट्रंप 300 पार। अमेरिका से यही चुनावी संदेश क्या सामने आने वाला है, इसी का इंतजार है। मोहर इस पर लगेगी और ये नंबर 300 पार वाला कहां जाकर रुकेगा, इसको लेकर भी सबकी दिलचस्पी बनी हुई है। फिलहाल एक क्विक रिएक्शन लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर एलन मस्क ने पोस्ट किया है, अमेरिका की जनता ट्रंप को स्पष्ट बहुमत दे रही है। ये एलन मस्क की तरफ से कहा गया है, अमेरिका की जनता ने ट्रंप को स्पष्ट बहुमत दिया है। लीजिए ट्रंप की जीत का ऐलान। इसी सिलसिले में आप इस बयान को देख सकते हैं किस तरीके से अब ऐलानिया अंदाज में ये ट्रंप की जीत को लेकर बयान एक एक कर सामने आने शुरू हो गए हैं। इसमें एलन मस्क लगातार चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एक तरीके से जो पारंपरिक मीडिया था उस पर कई तरीके के सवाल उठाए, ऐसे में जो सोशल मीडिया और वहां पर एलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद कारगर साथी के तौर पर उभरे,
हर पल डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में एलन मस्क अपनी बात रखते हुए नजर आए और अब नतीजों के दिन जीत की घड़ी नजदीक, जब बिल्कुल बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर एलन मस्क की तरफ से ये बयान दिया गया, अमेरिका की जनता ने ट्रंप को दिया है स्पष्ट बहुमत। रविंदर सचदेव जी का रुख करूंगी मैं। सर, जिस बात का जिक्र अभी विशाल कर रहे थे, एलन मस्क जिसका एलानिया अंदाज में सबको बाकायदा घोषणा कर रहे हैं, नो इफ नो बट, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव नतीजा, इट्स जस्ट ट्रंप ट्रंप ट्रंप। फिलहाल ऑलमोस्ट ट्रंप ट्रंप है और शायद एंड में जाकर के भी ट्रंप ट्रंप होगा, और अब की बार दिखता है कि ट्रंप 300 पार, दैट इज वन। सेकेंडली बट स्टिल यस, अभी देखिए कुछ वोट्स गिनने बाकी हैं, पोस्टल बैलेट बाकी हैं, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग टाइम है, खासकर स्विंग स्टेट्स में, तो कुछ कह नहीं सकते। बट अगर ट्रेंड देखें तो जिस तरह से जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट मीन्स कि ट्रंप 270 ही, देखिए 7 स्विंग स्टेट, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, उनमें से 40 फिक्स्ड हैं कि ये तो जाएंगी डेमोक्रेट को या रिपब्लिकन को, न्यूयॉर्क जाएगी डेमोक्रेट को, कैलिफोर्निया डेमोक्रेट को, टेक्सास फ्लोरिडा रिपब्लिकन को, 50 में से करीब 7 स्टेट्स बनती हैं जो इधर या उधर जा सकती हैं 1-2% से। ये जो 7 स्टेट्स हैं इनकी आबादी है एवरेज मान लो किसी की 15 लाख से लेकर के 1-1.25 करोड़ तक, यहाँ पर जो भी जीतेगा अंदाजन है कि वो 20,000 की मार्जिन से 50,000 की मार्जिन से जीतेगा। तो अभी जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इन स्टेट्स में ट्रंप ही कहीं 20,000 या 50,000 या लाख से जो भी है पर ट्रंप जीत रहे हैं। तो स्विंग स्टेट्स में अगर एक एक करके ऐसे जीते गए तो स्विंग नहीं बचेगा, ये तो फिर एक तरह का स्वीपिंग हो जाएगा, राइट। जब 7 में से 5 स्विंग स्टेट्स अगर एक तरफ चले गई या 4 ट्रंप की तरफ चली गई, तो ऑब्वियसली वो 270 क्या, वो तो 300 पार जा सकता है। तो चांस और ट्रेंड अभी ये दिख रहा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस समय अमेरिका जो है एक तरह के एक दो रास्ते पे खड़ा है, जिसे एक कहते हैं ना फोर्क इन द रोड, रेड स्टेट्स जिन्हें कहते हैं रिपब्लिकन स्टेट जो हैं, क्योंकि रिपब्लिकन का कलर रेड है डोनाल्ड का। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो अमेरिका इस पथ पे चलेगा, अगर कैमला हैरिस जीती यानी कि डेमोक्रेट्स यानी कि ब्लू स्टेट्स आ गई, तो अमेरिका इस पथ पे चलेगा। ये एक इस समय अमेरिका में एक जंग चल रही है दोनों पक्षों की। एलन मस्क भी आपको याद हो 2 दिन पहले कह रहे थे कि अगर हैरिस जीतेगी तो अमेरिका में आगे कभी इलेक्शन होगी ही नहीं, और इधर हैरिस का कैंपेन है, ये लोग कहते हैं कि अगर ट्रंप जीतेगा तो अमेरिका में आज के बाद इलेक्शन होगी ही नहीं। तो दोनों पक्षों की सोच या विचार ये है कि ये एक मेक और ब्रेक कहिए या हिस्टोरिक इलेक्शन कहिए। तो इस हिस्टोरिक इलेक्शन में अगर ट्रंप जीतते हैं तो अमेरिका निश्चित रूप से एक अलग राह चलेगा, बहुत क्लियर राह है डोनाल्ड ट्रंप की, जिस पे वो देश को ले जाना चाहते हैं, जो कि आइसोलेशनिस्ट है, वर्ल्ड अफेयर्स में उन्हें ज्यादा मतलब नहीं, वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट जो भी पॉलिसीज हैं जी, उन पॉलिसी से हाँ हमें भी कुछ फर्क पड़ेगा पर सारी दुनिया को पड़ेगा, ट्रंप शख्सियत ही ऐसी है। बिल्कुल सर, उस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही वो नारा जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस बार राष्ट्रपति चुनाव में उतरे, और हर तरफ उन्होंने इसी नारे की गूंज जो है वो सुनवा दी अमेरिका के अंदर। और अब नतीजों का दिन है जब आज, तो क्या कोई गुंजाइश दीपक सर बच रही है अभी भी अगर मगर की, या बिल्कुल क्लियर है साहब आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? There's no question about it. ये कहना है कि अभी देखना है, ये करना है, तो so much of caution के मेरी घड़ी इस समय बता रही है कि ये टाइम वो, अच्छा देखना पड़ेगा, दूसरी घड़ी में चेक करूंगा, that is not required. सचदेव साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, his knowledge is fantastic, but it's very clear कि अमेरिका के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। We want Trump back. We want to make America great again. ये उसका कोर था, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिकन कभी भी तैयार नहीं है, सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, ही विल बेयर मी आउट, वो नंबर टू बनना पसंद नहीं करते, होना पसंद नहीं करते, ना हुए हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दे वॉन्ट टू कम बैक अगेन एज नंबर वन। ये नहीं मैं कह रहा कि दुनिया को जो भी बेईमानियां वो करते हैं करते रहते हैं, बट अमेरिकन पीपल जो लोग हैं सड़कों में जिनसे मिलते हैं, दे फील वेरी गुड इफ यू कम फ्रॉम अ कंट्री जो शक्तिशाली है और जिसको लोग पसंद करते हैं। कुछ खराब पॉलिसीज के कारण उनकी जो पब्लिक इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो नीचे हो गई है,
उसको वापस लाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की जो ताकत है। मैं देसी भाषा में कहूं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, सिंह साहब के पास ही चलते हैं, आशीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आशीष, देसी भाषा में अगर कहा जाए तो मतलब वो चौधराहट, और वो चौधराहट जो है अमेरिका की वो कायम रहनी चाहिए। और फिलहाल जिस तरीके का जियोपॉलिटिक्स हमने होता हुआ देखा, उसमें खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर वो वेस्ट एशिया के अंदर गाजा, इसराइल, ईरान, वो जिस तरीके से एक दूसरे के साथ उलझते हुए नजर आए, उसमें अमेरिका का वो दबदबा और अमेरिका की वो चौधराहट उस रूप में निकल कर सामने नहीं आई। इसी का एक मलाल, और इस वक्त ये वो फॉरेन पॉलिसी जो बाइडन की, वो भी कमला हैरिस को यहाँ पर भारी पड़ रही है। पहले एक अच्छी कॉलीग की तरह आप मुझे ये कॉम्प्लीमेंट तो दीजिए कि 6 बजे से मैं कह रहा था नतीजे ऐसे ही आने वाले। आपके मन की बात पूरी हो गई है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। आप मिठाई खिलाइए। लगातार डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी जीत का अनुमान लगा रहे थे, अभी सिर्फ अनुमान था या भविष्यवाणी या दिल की बात, ये राज आप बात में खोलिएगा। नहीं नहीं, एक मिनट आप जवाब दीजिएगा, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज मुझे पैनल से कहा जा रहा है, ये खबर मैं पहले ले लूं। अमेरिकी चुनाव को लेकर भारत में बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल है, भारी बढ़त। भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स 80,193 अंक पर पहुंच गया है। सेंसेक्स में आज 716 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखने के लिए मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सेंसेक्स में गिरावट देखने के लिए मिल रही थी, बाजार में गिरावट का सिलसिला आज थमा है। और देखिए किस तरीके से ये उछाल, भारी बढ़त, सेंसेक्स 80,193 अंक पर पहुंच गया है। अभी तक 716 अंकों की ये बढ़त बाजार में देखने के लिए मिल रही है। आशीष आ जाइए प्लीज। बाजार को भी तो पता है ना कि मोदी का दोस्त आ रहा है। अब तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति हैं, 47th प्रेसिडेंट। मैं तो देख रहा था कि जाने कितने ऐसे एक्स हैंडल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया और वो पोस्ट करना शुरू कर दिया है रोमाना अमेरिका में कि 47th प्रेसिडेंट वो इलेक्ट कर लिया गया। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा आगे चल के होगी। मुझे नहीं लगता देयर इज नो पॉइंट ऑफ अ रिटर्न, अब यहां से कोई वापसी नहीं होगी, कोई टर्न अराउंड नहीं होगा। कमला हैरिस खुद इतनी बुद्धिमान है कि उन्होंने अपना जो एड्रेस करने वाली थी उसको भी कैंसिल कर दिया। तो दिस इज अ डिसाइसिव विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री है। तीसरी बार आप जैसा कह रही थी, अगर वो जीत के आते हैं तो हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, इतिहास तो 131 साल आशीष। जी हाँ बिल्कुल, एक ये 131 साल के बाद अमेरिका में इतनी बड़ी इतिहास, इतना बड़ा इतिहास रचा जा रहा है। हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से तीसरी बार राष्ट्रपति बनकर के आ रहे हैं। भारत के लिहाज से भी तो बहुत अच्छा है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका अलग रैपो है। और इंडिया को लेकर के भी कई मामलों में वो जिस तरह से सेंसिटिव रहे हैं, कमला हैरिस ने जब 370 एब्रोगेट किया गया था, आपको अच्छी तरह याद है, उन्होंने पोजिशन भारत से इतर लिया था। और डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो कई बार हमारे राइट्स को लेकर के मुखर रहते हैं, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि once he is declared elected, बहुत इस बात की गुंजाइश है कि वो भारत के जो कंसर्न्स है खालिस्तान को लेकर के, उस पर भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वहां के बोल रहे हैं कि बड़ा क्लियर वो स्टैंड ले सकते हैं भारत के पक्ष में। तो चाहे ट्रेड हो, चाहे स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो, डिफेंस कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, हर लिहाज से मुझे लगता है भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं और अब मुझे लगता है कि इस जो नतीजे सामने उनको नजर आ रहे हैं, इस पर कोई गोइंग बैक नहीं होगा। कोई आखिरी मिनट की ऐसा हो तो वैसा हो, जैसा एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं, अब इसकी कोई गुंजाइश रहती नहीं। 47th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। बिल्कुल, तस्वीर इसको लेकर अब कमोबेश साफ हो चुकी है। जल्दी से जरा विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, कुछ देर पहले बाकायदा वो अमेरिका का नक्शा और अलग अलग राज्य और वो राज्य किस तरीके से उनमें रंग लाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नीला जो है वो कहीं कहीं घटता हुआ नजर आ रहा था, उसके बारे में हमें बता रहे थे। कुल मिलाकर यहाँ पर उस नक्शे के जरिए और अभी जिस तरीके के नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं, विशाल, ये स्विंग स्टेट्स पर मामला अटका हुआ था आकर, और अब वही स्विंग स्टेट्स जो हैं वो स्वीप कराते हुए डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस पूरे के पूरे चुनाव को नजर आ रहे हैं। सारे स्विंग स्टेट्स चले गए डोनाल्ड ट्रंप की झोली में या फिर जाते हुए नजर आ रहे हैं? रोमाना, बिल्कुल सारे स्विंग स्टेट्स डोनाल्ड, विशाल एक मिनट रुक जाइए, एक जरा रीकंफर्म करा दीजिए। मेरे वॉशिंगटन, ये मेरे अमेरिका में जो मित्र हैं उन्होंने लिखा है कि ही हैज हिट 277, इसका मतलब पार कर चुके हैं। I don't know how. इसको अब देखते हैं। दीपक जी, कुछ जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त है। जैसे ही वो जीत में कन्वर्ट होगी तो वो संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल सभी मैं ऐड कर दूं, विशाल मैं ऐड कर दूं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मुझे लगता है विस्कॉन्सिन, और विस्कॉन्सिन का नतीजा बस डिक्लेयर होने ही वाला है, और 10 वहां से वोट्स आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, तो जैसे ही वो विस्कॉन्सिन वाला ऐड होगा ना, ये 267 जो अभी है ये सीधे 277 चला जाएगा। एंड अगेन विस्कॉन्सिन
विस्कॉन्सिन इज अ स्विंग स्टेट और ये स्विंग स्टेट भी जाती हुई डोनाल्ड ट्रंप के खाते में, लेकिन फिलहाल क्योंकि औपचारिक तौर पर उसका ऐलान नहीं हुआ है ना, इसीलिए अभी ये 267 हम दिखा रहे हैं और कमला हैरिस 226 पर है। आइए विशाल। बिल्कुल रोमाना, और देखिए विस्कॉन्सिन वो राज्य है जिसके लिए कमला हैरिस ने बाकायदा बयान दिया था कि व्हाइट हाउस का रास्ता इसी विस्कॉन्सिन राज्य से होकर जाता है और उसी विस्कॉन्सिन राज्य में कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी जीत की ओर विस्कॉन्सिन में भी आगे बढ़ रहे हैं, ना सिर्फ पेंसिल्वेनिया, जो कि पेंसिल्वेनिया में 1992 से 2020 के बीच में सिर्फ एक बार डोनाल्ड ट्रंप ही चुनाव जीत पाए थे रिपब्लिकन की तरफ से 2016 में, और 2024 में भी डोनाल्ड ट्रंप ही चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए नॉर्थ कैरोलिना, पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप जीते, इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। जॉर्जिया में पिछली बार बाइडेन जीते थे, इस बार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा नेवाडा, जो कि 6 जो इलेक्टोरल वोट है उसका प्रतिनिधित्व करती है, और वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहा था, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। लगभग 80% वोटों की गिनती नेवाडा में पूरी हो चुकी है और ट्रंप बहुत आगे हैं कमला हैरिस से। और इसके साथ ही एरिजोना, जो कि मैक्सिको से सटा हुआ राज्य है जहां पर अवैध प्रवासी एक बड़ा मुद्दा रहा है, वहां पर भी बड़ी लीड ले चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी उनकी जीत घोषित हो जाए। मिशिगन में थोड़ा धीरे धीरे काउंटिंग हो रही है, लेकिन मिशिगन वो राज्य है जहां पर अरब अमेरिकी मुस्लिम्स बड़ी संख्या में हैं। अब यहां पर एक चीज बहुत देखने वाली होगी कि क्या वो लोग वोट डालने के लिए निकले या नहीं निकले, क्योंकि उनकी नाराजगी कमला हैरिस और बाइडेन से इस बात को लेकर थी कि बाइडेन और हैरिस प्रशासन इसराइल को हथियार मुहैया करा रहा है और गाजा में युद्ध लगातार चल रहा है, और इसीलिए बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए ना निकलने का मन बना चुके थे। तो कहीं ना कहीं मिशिगन में जो ट्रंप को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि हैरिस के पक्ष में अरब अमेरिकी मुस्लिम वोट करने के लिए घर से ना निकले हों। रोमाना बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अभी जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है उससे यह बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है कि अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर मोहर लगने वाली है। बस सिर्फ औपचारिक ऐलान ही एक तरीके से आप कह सकते हैं का अभी होना बाकी है, क्योंकि फिलहाल आंकड़ा उनका 267 और स्विंग स्टेट्स जो हैं उनमें लगातार डोनाल्ड ट्रंप की ही बढ़त बनी हुई है। और ऐसे में जैसे जैसे वो स्विंग स्टेट्स और उनके नतीजे पर मोहर लगती जाएगी, ये 267 से आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 270 है, वैसे भी जादुई आंकड़ा, उससे तो सिर्फ 3 वोटों के फासले पर ही इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 267 पर है और अभी जो आ चुके हैं उनके खाते में। इसके अलावा 45 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स उन राज्यों के जहां पर बढ़त बनाई हुई है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो कुल मिलाकर जोड़ दिया जाएगा 267 और 45 को तो सीधे 312 पर ये मामला पहुंचता है। और ये 312 वाला मामला नंबर देखकर मुझे ध्यान आ रहा है कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से आशीष हमें पहले बता रहे थे कि वो सर्वे में वो 312 वाला आंकड़ा उनकी तरफ से दिया भी गया था एक अनुमान आज जब हम सुबह से कवरेज कर रहे थे। आशीष एम आई राइट? मोर ऑर लेस हमारी बात तो बिल्कुल सही साबित हो रही है, 312 का ही आंकड़ा ऐसा लगता है कि अब वो टच कर जाएंगे और बड़ा हिस्टोरिक है, तो क्लियर मैंडेट वॉटरशेड, जैसे एम्बेसडर वोरा कह रहे थे कि ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इतिहास रच जाएगा और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग पूरे वर्ल्ड ओवर जाएगी। और हम जिस तरह से उन देशों की बात कर रहे हैं जहां पर एम्बेसडर वोरा, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं पूछूं तो आपके स्वामी जी का नाम क्या जिन्होंने आपको बताया था कि 312 उनके, मैं भी जाता हूं उनके पास। नहीं मैं हाथ में एक सेकंड आशीष हाथ दिखा दीजिए जरा, ये इतने सब के बावजूद भी आपको जरूरत है अभी किसी और स्वामी जी की? नहीं रुमाना, आप पहले पूछ भी रही थी कि जो मैं उम्मीद लगाए बैठा था वो आंकलन में कैसे कर रहा था। देखिए उसको मैंने प्रिमाइज किया था तमाम जो तरह तरह की एजेंसियां हैं उनसे जो फीडबैक मिल रहा था मुझे अपने इंडिविजुअल लेवल पे, उसमें ये फीडबैक मिल रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से पेश किया जा रहा वैसा है नहीं, आखिरकार जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जा सकते हैं। और क्योंकि फ्रैक्चर्ड तरीके से सरकार चलाई, कोई बहुत इंप्रेसिव गवर्नमेंट बाइडेन ने नहीं चलाई थी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे विशाल थोड़ी देर पहले कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह कमला हैरिस के पीछे रह जाने की खुद प्रेसिडेंट बाइडेन है। अगर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव गवर्नमेंट दी होती और ये स्टैंड अलोन कैंडिडेट होती, सपोज करें अगर कमला हैरिस ऑपोजिशन की कैंडिडेट होती तो मुझे लगता है कि शायद जीत गई। जी बिल्कुल, इसको तो एक हम चर्चा पहले कर ही रहे थे कि एंटी इनकंबेंसी जिसे हम लोग कहते हैं, एक तरीके से ये वो बाइडेन सरकार वाला बैगेज जो यहां पर इस रेस में कमला हैरिस को पछाड़ता हुआ नजर आया, एक फैक्टर ये भी बड़ा बना। और मुझे लगता है जरा जल्दी से रुबिंदर सर का हम रुख कर लेते हैं। रुबिंदर सर, हालांकि ये कहा जा रहा था कि कमला हैरिस महिला चेहरा और जो महिलाएं हैं वो मजबूती से आकर डेमोक्रेट्स के साथ जुड़ेंगी, कमला हैरिस के साथ जुड़ेंगी, खासतौर से वो अबॉर्शन वाला मुद्दा और मध्यवर्ती चुनाव जब हुआ था 2022 में तो उसने फायदा पहुंचाया था डेमोक्रेट्स को, उस पर
उस पर ज्यादा निर्भरता जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर भारी पड़ गई क्या? इस पर आप जवाब दीजिएगा सर। इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत मिला, इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप 277 पर 267 अभी तक उनके खाते में वोट्स थे और लीजिए सीधे 10 वोट और जुड़कर 277 पर पहुंच गए हैं। जो बात अभी दीपक वोरा सर कर रहे थे कि उनको मैसेजेस आ रहे हैं उनके फ्रेंड्स के जो यूएस में मौजूद हैं कि साहब यहां तो मामला 277 पर पहुंच गया है, तो बहुमत वाला जादू आंकड़ा पार कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 270 पार करके डोनाल्ड ट्रंप 277 पर पहुंच गए हैं। 47 फिर राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर विजेता इस राष्ट्रपति चुनाव में उभर कर सामने आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं फ्लोरिडा जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की रैली होनी है और वहां पर देखिए किस तरीके का उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। जश्न अभी से होना शुरू हो चुका है, लोग झूमते हुए खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जल्दी से रविंदर सर का रुख करते हैं। नहीं, मुझे आपको अच्छा जल्दी से आपको 3 सेकंड देने हैं क्योंकि मेरे जो कॉलीग्स हैं मैसेज भेजा है कि जैसे ही हम अनाउंस करेंगे आपको भांगड़ा करना पड़ेगा, तो जरा मेरी फोटो खींचे ताकि मैं भांगड़ा करके उनको दिखा दूं। दीपक वोरा सर को लेकर आइए स्क्रीन पर, जरा करिए स्क्रीन पर ताकि उनको पता लग जाए मैं भांगड़ा कर रहा हूँ। लीजिए आप खुश हो जाइए, आप मैंने कर दिया एक बार और सर क्लोज अप। जी जी ये लीजिए अब भांगड़ा मैं कर रहा हूँ, जीत गए ट्रंप साहब की जीत, बहुमत वाला आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप के खाते में आया और इसको लेकर स्टूडियो में दीपक वोरा सर का भांगड़ा भी आपने देख लिया। अब रविंदर सर का रुख करते हैं। सर भांगड़ा की वजह उस पर भी हम आएंगे आगे, लेकिन पहले ये कमला हैरिस जो पिछड़ रही हैं, जो मैं सवाल का जवाब आपसे लेना चाह रही थी, वो अबॉर्शन वाला मुद्दा, वो महिलाओं का एकजुट होकर कमला हैरिस के साथ आना, कहां पर मात खा गए वहां पर डेमोक्रेट्स? आई थिंक एक चीज जो हुई है इसमें विमेन वोट को लेकर डेफिनेटली हैरिस ने अटेम्प्ट किया, बट हैरिस को जितने वोट विमेन के बाइडन को मिले थे हैरिस को भी करीब उतने ही मिले हैं, यानी कि हैरिस को कोई ज़्यादा विमेन वोटर्स का फायदा नहीं हुआ, दैट इज़ वन। बट सेकेंडली ट्रंप ने मेरे ख्याल से अब एक नई सेगमेंट इंट्रोड्यूस कर दिए जो आने वाले वर्षों में जिसको कंसिडर किया जाएगा ऑल्सो, वो है यंग मैन की। ट्रंप ने टारगेट किया इसके कैंपेन ने यंग मैन को, तो विमेन वोटर जो थोड़ी ज़्यादा अगर हैरिस की तरफ चली भी गई तो उसको काउंटर करा है ट्रंप कैंपेन ने बाय टारगेटिंग यंग एडल्ट मैन 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल के इन अमेरिका। इन मैन यंग मैन का इनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये है कि काफ़ी कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, ये वो कुछ, और उनको ट्रंप की जो ब्रावाडो माचो मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग इमेज है वो उनको अपील करती है कि दुनिया में ये सब इतनी मुश्किलें हैं, ये वो वी नीड टू काउंटर इट। तो ये एक नया सेगमेंट अमेरिकन पॉलिटिक्स में अभी तक ज़्यादा कभी डिस्कस नहीं हुआ है, वुमेन वोटर, अफ्रीकन अमेरिकन, लैटिन अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, जितना भी एक सेगमेंटेशन कर लीजिए, बट यंग मेन की बात नहीं होती थी अभी तक कभी। बट इस कैंपेन ने में ट्रंप कैंपेन ने इस यंग मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी को अच्छे से टारगेट फोकस करा और लगता है कि उसका इसको फायदा हुआ है क्योंकि उनको अपील करती है ट्रंप की स्ट्रॉन्ग इमेज, बोल्ड लीडर की। ठीक है, तो ये वो जो यंग मेन वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको आप कह रहे हैं कि तो विमेन में जो लॉस हुआ वो इन्होंने एक कल्ट फिगर की तरीके से जो उभर कर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच, इसके लिए वजह कहीं ना कहीं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आर्थिक नीतियां दीपक वोरा सर, जो वहां पर महंगाई, जो वहां पर बेरोजगारी, और इसी ने वो ट्रंप फैक्टर को इतना ज्यादा बड़ा बनने में एक तरीके से मदद दी। 100% और जो अमेरिकन वर्कर्स हैं, अमेरिकन मैं इलीगल इमिग्रेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैम 30 सेकंड में समझा देता हूं कि क्योंकि महंगाई वहां बहुत बढ़ रही थी, अमेरिका वापस लाना चाहता था अपनी फैक्ट्रीज चाइना से, जिसको कहते हैं रीशोरिंग। लेकिन अगर आप जाना कंपेटिटिव होना चाहते हैं आपकी लेबर कॉस्ट लो होनी चाहिए। न्यूयॉर्क में $16 प्रति घंटा लेबर कॉस्ट है, चाइना में 2 सेंट है प्रति घंटा, तो कहां से वो कंपीट करेंगे? फिर इलीगल इमिग्रेंट्स आए कि भाई $16 हमारे यहां पे है, तू $2 में काम कर दे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अमेरिकन्स, जो अमेरिकन अमेरिकन्स हैं जिन मैं कहता हूं, उनकी नौकरियां जा रही थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था और ये गुस्सा था उनके अंदर कि इतने सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को ले आ रहे, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ चाइना इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, वो हम कभी होने नहीं देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा आक्रोश था, नाराजगी थी इन लोगों में, हमारी नौकरियां जा रही हैं किस लिए, महंगाई बढ़ रही है किस लिए, हम लोगों को तकलीफ हो रही है किस लिए, मेडिकल मेंटल इलनेस हो रही है किस लिए। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने इन सारी तारों को छुआ है और एक सितार जो उसने बजाया है
कमला आंटी, कमला मैडम चली गई हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से आशीष, मतलब वो हर समस्या, वो समस्या की जड़ क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे चुनाव प्रचार में बता रहे थे। न सिर्फ जड़ बल्कि उस समस्या का हल क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहे थे, और यही सब डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में काम करता चला गया। इस पर आप भी अपनी रिएक्शन दीजिएगा। विशाल, आपसे भी इस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। लीजिए, बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया है। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे दी है उन्होंने। अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है चुनाव नतीजों में हार और जीत की, लेकिन जो नंबर्स सामने आ रहे हैं वो तो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर ही रहे हैं ना। और नंबर ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन रहे हैं, कोई ताकत उन्हें अब रोक नहीं सकती है। जिस तरीके से एक एक कर वो तमाम स्टेट्स जो रिपब्लिकन पार्टी की गढ़ थी, और इसके बाद वो राज्य जो स्विंग स्टेट्स थे, जो किसी भी तरफ जा सकते थे, वो स्विंग स्टेट्स मजबूती से डोनाल्ड ट्रंप के साथ जा रही हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप 277 इलेक्टोरल वोट्स के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने की ओर डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी को लेकर अब बधाइयों का सिलसिला दुनिया भर से शुरू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। सबसे पहले अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे दी है। आशीष, समस्या क्यों है, समस्या की जड़ क्या है, और समस्या का हल क्या है, सब कुछ कौन बता रहा था अमेरिका के लोगों को? डोनाल्ड ट्रंप जी, उनके पास सभी चीजों का जवाब था। और जो सबसे ज्यादा लूमिंग लार्ज हम कहते हैं जो प्रॉब्लम्स थी अमेरिका के सामने, उसका रिजोल्यूशन वो देख रहे थे। लंबे समय से उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट बाइडेन कुछ करेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो बोलते बोलते भूल जा रहा था कि उसे बोलना क्या है, किसी और महिला को अपनी पत्नी समझ करके उनकी तरफ जेस्चर्स आगे बढ़ा रहे थे। हाँ, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि हम लोग खुद देख करके बड़े सरप्राइज रहते थे कि हम, कहा जाता है ना पृथ्वी का सबसे ताकतवर व्यक्ति, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, सबसे बड़े सुपर पावर का प्रेसिडेंट, अगर वो इस तरह से बिहेव कर रहा है, चलते चलते लड़खड़ा करके गिर जा रहे हैं। उनकी नीतियां कितनी लड़खड़ाई हुई थी आप देखिए। लोग जवाब चाह रहे थे, लोग सोल्यूशंस चाह रहे थे अपने उन समस्याओं का, जिससे वो डे इन एंड डे आउट अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूझ रहे थे। और उन सभी सवालों का आप जैसे बिल्कुल ठीक कह रही हैं जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, और उन्होंने मांगा कि आप एक दफ़ा और मुझे मैंडेट दें, मैं इन सभी चीज़ों को सॉल्व करूंगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो बाहर की ग्लोबल अफेयर्स हो। और मुझे लगता है इसी वजह से सभी लोगों ने बाहर निकल करके लार्जली उनके पक्ष में वोट दिया। और मैं फिर एक बार जो मैंने पहले आपसे बात कही थी, इसमें आप देखिएगा कि जनरली हमको उस तरह के रिएक्शंस नहीं मिलेंगे कि अमेरिका इस बात को रिग्रेट करे कि यार हमारे पास एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी, हम पहली बार एक महिला को राष्ट्रपति बना सकते थे। ऐसा कोई रिमोट दिखेगा नहीं, लोग बाय एंड लार्ज खुश दिखेंगे इस फैसले से, और वो ये मैंडेट, ये फिगर्स अपने आप में दर्शाता है। अच्छा, वैसे जब पहली बार राष्ट्रपति बने तब हिलरी क्लिंटन को हराया था, है ना, और इस बार जो है वो कमला हैरिस को आ रहा है। विशाल जी, हाँ, क्लिंटन अगर आपको याद हो, बिल्कुल, आइए आइए विशाल, जल्दी से आइए। कुल मिलाकर यहाँ पर जो बात सामने निकल कर आ रही है, अब वो चाहे अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे इमिग्रेशन वाला मुद्दा हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति अमेरिका की क्या रही वो मुद्दा हो, या फिर जियो पॉलिटिक्स में अमेरिका की भूमिका क्या रही ये मुद्दा हो, ये वो तमाम मुद्दे थे जिनमें खामियां क्या हैं और वो किस तरीके से एक आम अमेरिकी सिटीजन की जिंदगी पर असर डाल रही है, नकारात्मक असर, इसको रेखांकित करते हुए इसका हल क्या हो सकता है, समस्या का समाधान क्या होगा, ये पूरा खाका जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रखा जा रहा था साहब। देखिए रोमाना, पिछले 4 सालों में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत टारगेट किया गया, कई मुकदमे उनके ऊपर लगातार चलते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को पीड़ित पेश करते हुए मजबूत भी दिखाया, और उसका फायदा उन्हें अमेरिका के चुनाव में मिला है। और सीधे तौर पर वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लगातार टिके रहे, अमेरिका प्रथम के मुद्दे पर वो टिके रहे, और साथ ही जिस तरह से जो दुनिया के दो हिस्सों में युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी वो अपनी राय रख रहे थे कि रूस यूक्रेन युद्ध को वो रोक देंगे, और इजराइल हमास के युद्ध पर भी उनका स्टैंड हमेशा से इजराइल के पक्ष में रहा है, और वो जो भी इसका आगे नतीजा निकालेंगे या जो फैसला लेंगे वो इजराइल का पक्ष ध्यान में रखकर लेंगे, ये इजराइल के लोगों को पता है। तो जो बड़ी संख्या में अमेरिका में यहूदी समुदाय के लोग हैं उनका समर्थन भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ गया है। और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा हिंदुओं का मुद्दा उठाया, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा, कहा कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप 21 लाख भारतीय मूल के मतदाताओं की ताकत का एहसास करते थे, उन्हें यह पता था कि ये वोट अगर उनके साथ आ गया तो बहुत आसानी से उनकी जीत की राह आसान हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ अवैध प्रवासी का मुद्दा वो लगातार उठाते रहे जो उनके फेवर में गया, और सबसे बड़ी बात दुनिया को हर मुद्दे पर लेसन देने वाला अमेरिका खुद महंगाई से जूझ रहा था, बेरोजगारी से जूझ रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का एहसास बखूबी अमेरिका की जनता को कराया, जिसका फायदा उन्हें मिला। और जैसा आशीष जी ने कहा,
बाइडेन जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी हो गई थी पिछले 2 सालों में, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, लड़खड़ा जा रहे थे, किसी को पहचान नहीं पा रहे थे, बहुत सारी ऐसी खामियां थी जिसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिला और डोनाल्ड ट्रंप अब 300 पार अमेरिका में करने जा रहे हैं। ठीक है दीपक वोरा सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में रविंद्र सर आपके पास आ रही हूं। जी बिल्कुल सही ये कह रहे थे कि जो अमेरिकन लोग हैं उनको एक लीडर चाहिए, उनके कौन हीरोज हैं, उनके हीरोज अब्राहम लिंकन है, जॉर्ज वॉशिंगटन है, यूलिसिस ग्रांट है, वो जॉर्ज पैटन है, हीरोज हु हैव दिस टफ इमेज कि हम कर लेंगे जो हमको करना है, हम देश की जो इज्जत है उसको कभी भी नीचे झुक नहीं देंगे। ही इज परसीव्ड एज अ स्ट्रांग मैन, अमेरिका के लिए टोटली कमिटेड है। और मैम मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, हमें भी भारत में, मैं भारतवासी हूँ जन्म से था, हमेशा मृत्यु तक रहूंगा, अगले जन्म में भी रहूंगा, हमें भी एक ऐसा लीडर चाहिए जिस पे हम नाज करें, और आज हमारे पास भारत में एक ऐसा लीडर है। मैं मानता हूं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से अमेरिका का नरेंद्र मोदी है। ठीक है लेकिन इसको समय का फेर क्यों ना कहा जाए रविंदर सर, क्योंकि 2020 में भी यही डोनाल्ड ट्रंप थे और 2020 में इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका ने खुद नकार दिया था और उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें आई थी शर्मिंदगी भरी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के लिए कि इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो समर्थक हैं उन पर आरोप लगे थे कैपिटल हिल में, उन्होंने जिस तरीके का उत्पात मचाया था, तो ये सब भी हमने देखा है। ऐसे में ये क्यों ना माना जाए कि साहब समय का फेर है, 2020 में इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप साहब को खारिज कर दिया जाता है और अब इस बार 2024 क्या यहां पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी, वो रणनीति जो डेमोक्रेट्स की रही कि पहले जो बाइडेन के नाम पर दाव लगाया लेकिन फिर जब जो बाइडेन वो सेहत का जिक्र जो यहां पर कर रहे हैं हम लोग, वो जिस तरीके से वो लड़खड़ाई और उस पर जब बात नहीं बनी तो अचानक से जुलाई में ही कमला हैरिस का नाम आगे किया गया, समय भी तो बहुत कम मिला ना कमला हैरिस को। नहीं डेफिनेटली समय कम मिला, बट कमला हैरिस ने काफ़ी अच्छी रेस लड़ी है अभी तक, ऐसी बात नहीं है। बट पॉइंट इस की यस 2020 से 24 के बीच में दुनिया बदल गई है। 20 में कोविड था, कोविड शुरू हुआ था या एंड हो रहा था जो भी, उसके बाद यूक्रेन वॉर, क्लाइमेट चेंज, ये वो, चाइना से अमेरिका की दुश्मनी, एग्जैक्टली चाइना से अमेरिका की दुश्मनी तब भी थी पर अब दुश्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो आज की दुनिया ना बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है अमेरिका के लिए, दैट्स वन। सेकेंडली अमेरिका के अंदर भी ना ये श्योर लिबरल एंड ऑल, विमेन इश्यूज एंड ऑल आर देयर, बट अमेरिका के अंदर फैमिली वैल्यूज और एक शब्द इस्तेमाल होता है वोक कल्चर, जहाँ की ये हो रहा है कि बच्चों को स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है 6, 7, या 8 साल की उम्र के बच्चों को कि सेक्स तुम्हारा मेल भी हो सकता है, तुम फीमेल भी हो सकते हो। आप सोचिए जो 7 साल का 6 साल का बच्चा या बच्ची है उनको इस तरह की एजुकेशन कई स्टेट्स में, काउंटीज में अलाउड हो रही है, और इन चीज़ों के लिए डेमोक्रेट्स का जो रेडिकल विंग है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहा है। तो ये बैकलैश है कि सोसाइटी कल्चर जो है ट्रेडिशनल कुछ हद तक रहनी चाहिए, ठीक है वापस आप नहीं जा सकते 50 साल पहले, ट्रंप का जो मागा है इनका तो आइडियल वक्त है 1950 का अमेरिका, जब अमेरिका क्रिश्चियन देश था, अमेरिका वाइट देश था, अमेरिका में कोई ब्राउन इमिग्रेंट नहीं थे, इनके लिए मागा की जो एक्सट्रीम विजन है वो तो अमेरिका वैसा होना चाहिए, अमेरिका वैसा नहीं होगा, बट स्टिल अमेरिका में फैमिली वैल्यूज एंड स्पेशली ये जो वोक कल्चर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जिसको डेमोक्रेट्स और प्रोग्रेसिव्स सपोर्ट करते हैं या टॉलरेट करते हैं जो भी आप कहिए, या उनको लगता है ये सही रास्ता है जिंदगी का, ये फंडामेंटली एक बहुत बड़ा कॉज जा रहा है मेरे ख्याल से, जो कि वोटर्स जो इवन बाइडन को भी सपोर्ट किए थे 2020 में वो अब जाकर के रिपब्लिकन ट्रंप की तरफ जा रहे हैं थोड़े बहुत, राइट? क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना ये पिछले 4-5 सालों में बहुत बड़े हैं, एंड उसके ऊपर इमिग्रेशन को लेके यस मेजर फेलियर रहा है बाइडन का, जो भी कहें आप, शुरू के 2.5 साल बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कुछ ज़्यादा काम नहीं करा। ओके यस कमला हैरिस को बनाया गया था बट कमला हैरिस को प्रॉपर कंट्रोल नहीं दिया गया था, कमला हैरिस का रोल ये था कि आप ग्वाटामाला, होंडोरस और एक और तीसरी कंट्री है वहाँ जा कर के आप कोशिश करो कि वहाँ से असाइलम के लिए हमारी तरफ लोग ना आए, तो ये कहा जाने लगा कि कमला हैरिस को बॉर्डर जार बना दिया गया, शी वॉज नॉट दैट बट स्टिल ये था। तो जो भी था, तो जो इमिग्रेशन है इतनी बड़ी तादादों में बढ़ी है, हर महीने मिलियन, एक एक मिलियन यानी 10 लाख इलीगल लोग आ रहे हैं बॉर्डर पर, उनको असाइलम पे रखा जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है, लीगल सिस्टम है, उनको प्ली है, उनको जेल में रखा जाएगा, उनका लॉयर होगा, उसको मेंटेन करा जाएगा, फिर कितनों को वापस करा जाएगा,
तो ये एक बहुत ही एक तरह का ये एक तरह का पैंडेमिक हो गया था है अमेरिका में इलीगल्स का जो आने का है, उसको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर पाई। लास्टली इकॉनमी एक अलग मैटर है, इकॉनमी बहुत महंगी हुई और इकॉनमी ऑलवेज मैटर करती है। हालांकि अमेरिका की इकॉनमी अच्छी गई है बट यस इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, महंगाई बहुत बढ़ गई सर, बेरोजगारी वहां पर एक बड़ी समस्या। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होना है, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ ही देर बाद आएंगे और उनका संबोधन, अभी तक अपनी जीत का दावा लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा था। आज भी जब एक तरफ अमेरिका में नतीजों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो गई और दूसरी तरफ कुछ राज्यों में अमेरिका में मतदान भी जारी था, तो भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने समर्थकों को संदेश ये दिया गया कि जो नतीजे आ रहे हैं और वो रिपब्लिकन्स के डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में आ रहे हैं, इससे अति उत्साहित होकर ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप अगर वोट देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं तो आप अपना वोट ना दें और घर लौट जाएं बिना वोट दिए। तो डटे रहिए, वोट जरूर दीजिएगा, ये आज भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपील की गई थी। और अब तो तस्वीर बिल्कुल साफ होती हुई नजर आ रही है, वो बहुमत वाला जो 270 का आंकड़ा है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने का, उसको पार डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। 270 डोनाल्ड ट्रंप के खाते में इलेक्टोरल वोट्स आ चुके हैं। कमला हैरिस बहुत पीछे 226 पर है और अभी भी जो संकेत मिल रहे हैं वो राज्य जहां पर नतीजों की घोषणा नहीं हुई है वो भी संकेत यही दे रहे हैं कि कुछ ही देर में जब गिनती खत्म होगी तो उन राज्यों में भी परचम डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का ही लहराएगा। और इस बीच आपको बता दें कल कमला हैरिस का संबोधन होगा, अपने समर्थकों को कल कमला हैरिस संबोधित करेंगी और अब से कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होना है। इससे पहले आप जानते हैं कि कमला हैरिस को आज नतीजों वाले दिन अपनी यूनिवर्सिटी हॉवर्ड में पहुंचना था, वहां पर बैठकर उन्हें अपने समर्थकों के साथ नतीजे भी देखने थे, लेकिन जिस तरीके से निराशाजनक ये नतीजे आ रहे हैं कमला हैरिस के लिए, उसके बाद उन्होंने अपना वो कार्यक्रम रद्द कर दिया है। और अब जो जानकारी मिल रही है कल कमला हैरिस का संबोधन होगा, लेकिन अब से कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में आएंगे अपने समर्थकों के बीच और वहां पर रॉकस्टार डोनाल्ड ट्रंप कहा जाए सर, और उनका एक रॉकिंग शो देखने के लिए मिलेगा जिसमें जीत के बाद आश्वस्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे, कॉन्फिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नजर आएंगे। हालांकि इन तमाम चीजों की कभी भी उनमें कमी दिखती नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने देखा था जब इमेजेस दिखाई थी कि वो किस तरह से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, पाम बीच में था शायद, आपने वो फोटोज दिखाई थी, वहां वो पहुंचे हुए हैं, ऊपर जा रहे थे लाइक ए यंग पर्सन, गए और अब थोड़ी देर में संबोधन करेंगे। और जो गीत उस वक्त जो सिंगर कर रहा था मुझे ध्यान से सुनाई नहीं, पर लग रहा था वो सॉन्ग है इन द YMCA कि अगर तुम नीचे गिरे हुए हो बेटा कोई बात नहीं, उठो, अपने आप को उठाओ और जाओ आगे की तरफ। तो ऐसे बहुत सा जोश भर जाता है लोगों के अंदर और मेरा ख्याल है कि व्हाटएवर हिज एज, 78 साल का है जितने का भी है, दिल से तो वो 32 साल का है मैम, ही इज अ वेरी यंग पर्सन और वो समझता है लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए और दुनिया के साथ कैसे डील किया जाए। मत भूलिए ही इज अ बिजनेसमैन और उसकी मशहूर किताब जो पहली बार उसको पब्लिक नोटिस में लाई थी, उसका शीर्षक 40 साल पहले था द आर्ट ऑफ द डील, The art of the deal, और लीजिए art of politics करते करते डोनाल्ड ट्रंप साहब इतिहास रचते हुए 131 साल के बाद कमबैक करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन रहे हैं। 277 इलेक्टोरल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के खाते में आ गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप लगातार तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए मैदान में उतरे, पिछली बार 2020 में हार मिली थी, लेकिन 2024 में एक बार फिर जीतते हुए डोनाल्ड ट्रंप, और जीतने के बाद यहीं इसी मंच पर आएंगे। ये फ्लोरिडा में मंच सजा है और यहीं पर ये लाल सैलाब जो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जो समर्थक डोनाल्ड ट्रंप के सब इस वक्त रेड कैप्स में नजर आ रहे हैं, लाल रंग अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स के साथ जोड़कर उसको देखा जाता है, नीला रंग जो है वो डेमोक्रेट्स वाला रंग एक तरीके से उससे जोड़कर देखा जाता है। इसी वजह से रेड स्टेट ब्लू स्टेट ये उन राज्यों के लिए अमेरिका में कहा जाता है जो पूरी तरीके से या तो रिपब्लिकन समर्थक हैं या पूरी तरीके से डेमोक्रेट समर्थक हैं, और साथ ही वो जो स्विंग स्टेट्स हैं यूजली उनके लिए पर्पल कलर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ होती हुई, 277 बहुमत का आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने पार कर दिया है। मैं जल्दी से आपको लेकर चलती हूं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त मौजूद है। विशाल, अब तो बेसब्री यहां पर बढ़ती हुई समर्थकों के बीच, क्योंकि अब सिर्फ कैंडिडेट नहीं, राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार नहीं, बल्कि अब तो राष्ट्रपति जो मंच पर आएंगे और संबोधन देंगे, हालांकि औपचारिक ऐलान होना बाकी है और शपथ ग्रहण हम सब जानते हैं वो 20 जनवरी को होती है। आइए विशाल। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगभग हम ये कह सकते हैं कि वो चुनाव जीत चुके हैं, बहुमत को प्राप्त कर चुके हैं और कई जगहों से उनको बधाई भी मिल रही है। हालांकि औपचारिक घोषणा ही सिर्फ बाकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 7 के 7 स्विंग स्टेट्स में भारी अंतर से इस वक्त आगे चल रहे हैं, कई राज्य वो जीत चुके हैं और
कुछ राज्यों में अंतर इतना है कि कमला हैरिस उस अंतर को प्राप्त नहीं कर पाएंगी, तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता बिल्कुल साफ है। 300 के पार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इलेक्टोरल वोट लेकर चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो करके दिखाया, क्योंकि लगातार लगभग हमने एक आंकड़ा देखा 1000 के आसपास डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैलियां अमेरिका में की, और उनका साथ एलन मस्क ने दिया, कई और उद्योगपति हमें उनके साथ दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने जहां अमेरिका के लोगों का जो मुद्दा था, जो वहां के लोगों के राष्ट्रवाद की भावना थी, उसको बहुत ज्यादा जगाया, उनकी उम्मीदों को जगाया, और बाइडेन के खिलाफ जो गुस्सा था उसको भुनाने में वो कामयाब रहे। और बाइडेन का गुस्सा ही कहीं ना कहीं कमला हैरिस पर उतरा है, और कमला हैरिस चुनाव नहीं जीत पा रही हैं, और डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लगभग जीत चुके हैं। किसी भी वक्त औपचारिक घोषणा हो सकती है, थोड़ी देर में डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों के बीच में जाएंगे जहां उन्हें संबोधित करेंगे, और इस बात की पूरी संभावना एलन मस्क उनके साथ मौजूद हो। रोमाना बिल्कुल, मैं जरा जल्दी से रविंदर सर का रुख करती हूँ। रविंदर जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो कहा जा रहा था कि साहब इस बार जो चुनाव प्रचार है वो, उससे ये अंदाजा मिल रहा है कि मामला बेहद करीबी, बहुत नेक एंड नेक फाइट होने वाली है, लेकिन अब जब ये जनादेश सामने आ रहा है तब तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही एक आसान लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप के लिए साबित हुई। तो मतलब जो कहा जा रहा था कि बहुत पोलराइज्ड अमेरिका, बिल्कुल बटा हुआ है खेमों में, ऐसा जनादेश से तो सर नजर नहीं आ रहा है। नहीं, दोनों चीज़ें सही हैं। देखिए, अमेरिका के इलेक्शन का हमें प्रोसेस समझना चाहिए। जो टाइट इलेक्शन है अमेरिका में, होता क्या है, स्टेट है, अब इनको स्विंग स्टेट क्यों कहते हैं, या कोई भी स्टेट है, फ्लोरिडा, अगर वहाँ पर एक वोट से ट्रंप या हैरिस जीत जाते हैं तो फ्लोरिडा के जितने इलेक्टोरल वोट्स हैं वो सारे उस कैंडिडेट को मिल जाते हैं। ओके, विनर टेक ऑल है। तो ऑन द ग्राउंड कांटे की टक्कर है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड कांटे की टक्कर है। अब अगर स्विंग होते भी, जैसे इनको हम 7 स्टेट्स को हम कह रहे हैं स्विंग स्टेट हैं, पर हर स्टेट में मानो 1% का ही कांटा है, बट 1% का ही अगर ट्रंप को एडवांटेज है 1-1 स्टेट में, तो उन सारी स्टेट्स पे तो ट्रंप को इलेक्टोरल वोट, जो उनके वेटेड एवरेज है, वो ट्रंप को मिल गया। तो ये तो लैंडस्लाइड या स्वीपिंग विक्ट्री हो जाती है व्हेन टोटल इलेक्टोरल वोट्स आर सीन। ग्राउंड में जो है अमेरिका में, अमेरिका ऑन द ग्राउंड टोटल बटावा देश है, बिल्कुल क्लियर कट, दोनों साइड्स एक दूसरे से अलग है, बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से डर रहे हैं, और दोनों को लगता है कि दूसरा लीडर देश को पूरे गड्ढे में ले जा रहा है, लेकर के जाएगा। इन दोनों साइड्स का ऑन द ग्राउंड वो विचार है। ओके, बट यस, अब जैसे मानिए विस्कॉन्सिन है, विस्कॉन्सिन मानिए 1 करोड़ की आबादी है, उस 1 करोड़ की आबादी में से 50,51,000 व्हाटएवर, जस्ट 1 वोट ज़्यादा मिल जाए हैरिस को, तो विस्कॉन्सिन के जो पूरे प्राइज है वो हैरिस के खाते में चला गया या ट्रंप के खाते में। सो ऑन द ग्राउंड कांटे की टक्कर बहुत बड़ी है, बट यस, क्योंकि इतनी सारी ऑन द ग्राउंड टकरें हो रही हैं, राइट, 50 स्टेट्स हैं जी, 50 में मानिए 40 में तो पता ही है कौन किस तरफ जा रहा है, सही। तो ये 50 स्टेट्स में 50 ग्राउंड वॉर्स हो रही हैं, उन 50 ग्राउंड वॉर से जो भी जीत रहा है एक स्टेट को, दूसरी स्टेट को, एटसेट्रा, वो ऐड किया जा रहा है। तो जब उसे उनको आप ऐड कर लेते हैं, तो इन टोटैलिटी अभी दिखता है कि ट्रंप डेफिनेटली ये स्वीपिंग 300 पार ज्यादा दिखता है। बाइडन भी अभी क्या 303 था, आई थिंक इनका इलेक्ट्रोल वोट जितने टोटल थे जी, राइट, ट्रंप हो सकता है 303 से 304 से भी ज्यादा आगे चले जाए, 312 बता रहे हैं, 312 अभी तक का जो आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि न सिर्फ वो राज्य जो कि गढ़ रिपब्लिकन पार्टी के या रेड स्टेट्स के तौर पर जिनकी गिनती होती है, इसके अलावा वो 93 जो स्विंग स्टेट्स वाली सीट्स हैं, वो भी कमोबेश सारी की सारी सीटें जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी मतलब ट्रंप के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, और कुछ तो चली भी गई हैं। इसी वजह से तो जो नतीजे आए हैं 277 पर तो पहुंच चुके हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, और बाकी आंकड़ा उनका 300 पार जाना इस बार तय है, मतलब जीत डोनाल्ड ट्रंप की पक्की, और कुछ ही देर में होना है डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन जिस पर हमारी नजर लगी हुई। नतीजों का दिन है आज, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप बहुमत के पार पहुंच गए, इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप को 277 इलेक्टोरल वोट मिल गए हैं, कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन भी होना है। अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप के समर्थक जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। फ्लोरिडा डोनाल्ड ट्रंप का गृह राज्य है, फ्लोरिडा में खुद भी डोनाल्ड ट्रंप वोट डालते हुए नजर आए थे पत्नी के साथ, और वहीं फ्लोरिडा से ही जश्न की शुरुआत होगी, क्योंकि यहां फ्लोरिडा में ही डोनाल्ड ट्रंप इन नतीजों के बाद अपना पहला संबोधन
देने वाले हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ हुजूम बढ़ता हुआ, और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि ऐसा लग रहा है रेड सी, लाल समंदर, क्योंकि वो समर्थक सब लाल रंग की, जो रिपब्लिकन्स का कलर है रेड कलर, उसी लाल रंग की टोपी में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सबने वो रेड कैप्स लगा रखी है और इंतजार सब कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का कि जब वो आएंगे तो फिर क्या कहेंगे। इसको लेकर बहुत उत्सुकता होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो क्या कहेंगे। दीपक सर, सबसे पहले तो धन्यवाद करेंगे अपने समर्थकों का। मैं यही देख रहा था कि कोई और मैसेज मेरे पास आया है कि नहीं। वहां से पहले धन्यवाद करेंगे, फिर बोलेंगे मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि मैं जो 2016 में इन्होंने की थी कि मैं जो डीप स्टेट है जो हर चीज़ में दखल देता है मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने कहा था आई विल ड्रेन द वॉशिंगटन स्वॉम्प, जो दलदल है वॉशिंगटन में उसको मैं वहाँ से बाहर निकालूंगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव अमेरिका बैक। और मैं सेकेंड गेस कर रहा हूँ, जैसे मैं जितना मैं उनको जानता कहेगा आई वॉन्ट टू गिव अमेरिका बैक टू द पीपल ऑफ अमेरिका, टू द अमेरिकन पीपल। कोई और क्यों चलाएगा इस देश को, आपने मुझे चुना है एज योर प्रेजिडेंट, तो मैं आपके समर्थन के साथ वही करूंगा जो आप लोग चाहते हैं। ये इसकी मेन चीज़ होगी। और फिर इसने अपनी लिस्ट तो बना ली होगी कौन से 20, 30, 40 लोग जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, CIA में, डिफेंस डिपार्टमेंट इधर उधर, उनको बर्खास्त करके घर भेज दिया जाए। सो ही इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी टफ पोस्टर मुझे लगता है। साथ में सेलिब्रेशन भी होगी, बट अ वेरी फर्म मैसेज कि मैं ये जंग खत्म करूंगा और अमेरिका को का जो बुरा चाहते हैं मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं, अब अमेरिका फिर से उठ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो मतलब अपने पहले संबोधन में यूक्रेन, रूस, अपने पहले संबोधन में इजराइल, ईरान और पैलेस्टीन, अपने पहले संबोधन में चीन, ये तमाम नाम सुनने के लिए मिलेंगे हमें डोनाल्ड ट्रंप के। महंगाई, बेरोजगारी, इमिग्रेंट्स, इनके बारे में बात करेंगे आज जब इन नतीजों के बाद पहली बार मंच पर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिलेंगे जब खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब मंच पर आएंगे और अपना संबोधन देंगे, क्योंकि वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ड्रीम बिग अगेन। और आप जानते हैं वो नारा जो इस पूरे प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बुलंद किया गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और फिलहाल जीत की तरफ जोरदार अंदाज में बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।